दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वाल्वो 440 FMX। हाँ जी हाँ दोस्तों, वाल्वो 440 FMX का जो ब्रेक, कितना ब्रेक है दोस्तों शायद आप लोगों को मालूम नहीं है। तो मैं दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी और उसके बारे में भी समझाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो में नए हैं या चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे भी आपको कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मोबाइल तक पहुंचे और सबसे पहले आप देखें और उसकी जानकारी आप प्राप्त करें। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखेंगे कि तो कितना दोस्तों ये ब्रेक है है। आपका फुट ब्रेक, ये हो गया आपका एक गो फुट ब्रेक हो गया है। और मैं अभी दूसरा आपको दिखा रहा हूँ, ये हो गया आपका इंजन ब्रेक। दोस्तों दो गो हो गया, अब मैं दिखाऊंगा आपको तीसरा और चौथा। ये हो गया आपका हैंड ब्रेक, ये हो गया आपका पुश ब्रेक। ये तो दोस्तों आप लोगों को मालूम है मगर इसके बारे में मैं कुछ आप लोगों को बता दे रहा हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये ऑन और ऑफ, तो इसमें से आपको कुछ समझ में आएगा ज़रूर। ये वाल्व जब अगर बाहर निकल जाता है, बाहर निकला हुआ रहेगा तो आपका ब्रेक पकड़ के रखेगा। अगर इसको आप खोलेंगे भी तो आपका गाड़ी आगे भी नहीं जाएगा और पीछे भी नहीं जाएगा जब तक आप इसको पुश नहीं करेंगे, जो ऑफ नहीं करेंगे। ये कब ऑन हो जाता है, जब इसका ऑटोमेटिक रिलीज अगर नहीं होता है, जैसे ही एयर डाउन हो जाता है ना, एयर डाउन हो जाता है तो ये अपने आप ऑन हो जाता है, ये बाहर निकल जाता है। आपका गाड़ी का जब एयर डाउन हो जाएगा तो ये अपने आप बाहर निकल जाएगा, जब एयर फुल कर लेंगे तो अपने आप अंदर रिलीज हो जाएगा। अगर वो अपने से रिलीज नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको इसको पुश कर देना है। पुश कर देंगे तो आपका ऑफ हो जाएगा ब्रेक और निकल जाएगा तो आपका ब्रेक पकड़ेगा। तो दोस्तों ये हो गया आपका चार ब्रेक के मैं बारे में बता दिया हूँ। तो दोस्तों हम लोग को अभी पता चल गया है कि वॉल्वो 440 में चार ब्रेक है। देख लिए आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आपको पता चल गया है कि वॉल्वो 440 में कितना ब्रेक है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगला नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।